इस राधा नाम का अर्थ और महत्व बतलाते हुए शास्त्र कहते हैं, रेफो ही कोट जन्माघम कर्म भोगम शुभाशुभम आकाराद गर्भवासम च मृत्यु च रोग मुस्सजे धकार आयुषो हानि माकारो भवबंधनम शरण स्मरणे तिभ्य पुनश्यंती न संशय। राधा नाम के पहले अक्षर र का उच्चारण करते ही अनंत जन्मों के संचित पाप और शुभ अशुभ कर्मों के भोग नष्ट हो जाते हैं। आकार के उच्चारण से गर्भवास जन्म मृत्यु और रोग आदि छूटते हैं। धकार के उच्चारण से आयु की वृद्धि होती है और आकार के उच्चारण से जीव होमन से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण स्मरण और उच्चारण से कर्म भोग गर्भवास और भवबंधन आदि एक ही साथ नष्ट हो जाते हैं। रेफो ही निश्चलाम भक्तिम दास्यम कृष्ण पदाम्बुजे सर्वेप्सितम सदानंदम सर्व सिद्ध्योगमीश्वरम धकार सहवासम च तत्तुल्य कालमेव च ददाति साक्षिसारूप्यम तत्वज्ञानम हरे समम आकार तेजसाम्रासिम दानशक्तिम हरे यथा योगशक्तिम योगमतिम सर्वकालम हरिस्मृतम सुत्युक्ति स्मरणादि योगान मोहजालम च किलविषम रोग शोक मृत्यु यमा वेपन्ते नात्र संशयः। राधा नाम के राकार के उच्चारण से मनुष्य श्री कृष्ण चरण कमल में निश्चला भक्ति और भगवान के दासत्व को प्राप्त करके इच्छित पदार्थ सदा आनंद समस्त सिद्धियों की खान ईश्वर की प्राप्त करता है तथा धकार का उच्चारण उसे साष्टी स्वरूप भगवान के स्वरूप का तत्व ज्ञान और समान काल उनके साथ रहने की स्थिति प्रदान करता है। आकार उच्चारित होने पर शिव के समान और दानीपन तेजो राशि योग शक्ति योग में मति और सर्व काल में श्री हरि की स्मृति प्राप्त होती है। इस प्रकार राधा नाम के श्रवण उच्चारण स्मरण और संयोग से मोहजाल तथा पाप राशि का नाश हो जाता है और रोग शोक मृत्यु तथा यमराज उसके भय से कांपने लगते हैं। रा शब्दोच्चारणादेव पीतो भवति माधव धा शब्दोच्चारणात् पश्चात धावत्येव सतम्भ्रमः। रा शब्द का उच्चारण करने पर उसे सुनते ही माधव हर्ष से फूल जाते हैं और धा शब्द का उच्चारण करने पर बड़े सत्कार के साथ उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। धा शब्दोच्चारणाद भक्तो धाति मुक्तिम सुतो लभाम धा शब्दोच्चारणाद दुर्गे धावत्येव हरे पदम रा इत्यदान वचनो धाच निर्वाण कारक यतो वाप्नोति मुक्तिम च साच राधा प्रकटिता। रा शब्द के उच्चारण से भक्त परम दुर्लभ मुक्ति पद को प्राप्त करता है और धा शब्द के उच्चारण से निश्चय ही वो दौड़ कर श्रीहरि के धाम में पहुंच जाता है। इस राधा नाम का